तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आज मैं लेके आ चुका हूँ सैड फोटो एडिटिंग। आपको मैं कुछ इस टाइप की एडिटिंग बहुत इजी तरीके से सिखा दूंगा। आप अगर वीडियो को फुल वॉच करेगा तो आप भी कुछ इस टाइप की फुल एडिटिंग कर सकते हैं। फुल डिटेल में स्मूथ कैसे मैं किया हूँ, इस फोटो को गोरा कैसे किया हूँ, PNG को कैसे यूज़ किया हूँ, फुल डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कीजिए तो मेरा डेली वीडियो देखने के लिए। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये मेरा ओरिजिनल फोटो है, आप देख सकते हैं कितना खराब कितना घटिया है। यही फोटो के आपके सामने आंखों के सामने मैं करूंगा रियल एडिटिंग। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, तो मेरे तरह आप भी फुल स्मूथ फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, एक को फोटो रिमूव करके एप्लीकेशन मिलेगा, वो आपको करना है सर्च, करना है डाउनलोड। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला वो एप्लीकेशन है, आप करना है डाउनलोड। उसको इसको अंदर जाना है, अंदर जाने के बाद आपको इंटरनेट ऑन करना है। आपको इंटरनेट ऑन करने के बाद इस क्या करना है, फुल प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मेरा फोटो में आप देख सकते हैं मेरा पीछे का जो बैकग्राउंड है ना गाइस, वो पूरा खराब है, घटिया है, वो मैं करूँगा इधर आपसे ही। पहले मैं कर लेता हूँ बैकग्राउंड को रिमूव। आप बहुत इजी तरीके से यहाँ से मेरा बैकग्राउंड हो गया है रिमूव। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा आपको आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना है। मैं करूंगा बैकग्राउंड को फुल ब्लर, और ब्लर किधर से करना है कैसे करना है आपको मैं फुल डिटेल वीडियो में दे दूंगा। तो चलो मैं इधर, आप देख सकते हैं मेरा एक ब्लर बोल ऑप्शन आ चुका है, आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ करना है क्लिक, और गाइस क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं लोड हो रहा है, थोड़ी देर वेट करो। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है गाइस, ये करना है बैकग्राउंड पे क्लिक, थोड़ा मेरा फोटो हो गया सिर्फ। अभी बैकग्राउंड के क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इधर करना है बैकग्राउंड पे क्लिक। आपको मैं पोर्सेस व पोर्सेट आपको मैं दिखा दूंगा। आपको करना है बैकग्राउंड पे क्लिक, थोड़ा ऊपर जाना है, यहाँ आपको करना है इधर ब्लर में क्लिक। करने के बाद आपको, आप देख सकते हैं कितना अपना फोटो में ब्लर करना चाहते हैं वो आप ब्लर कर सकते हैं। मैं चलो मैं इधर से इतना ब्लर कर लेता हूँ, अभी मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। बाद में इसको मैं फोटो को करूँगा इधर से सेव। तो चलो मैं इधर से सेव फोटो को कर लिया। अभी क्या करना है, जो फोटो को सेव किया वो गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद ये जो फोटो मैं सेव किया हुआ वो फोटो को ले लेना है, और ले लेने के बाद आपको फोटो को करना है शेयर। और शेयर करना है किधर है, Lightroom एप्लीकेशन में। Lightroom एप्लीकेशन में कर देना है शेयर, और आप देख सकते हैं मैं Lightroom एप्लीकेशन में कर चुका हूँ शेयर, मेरा लोडिंग हो रहा है। मैं इंटरनेट को कर दूँ ऑफ। चलो मेरा Lightroom पे हो चुका है शेयर, अभी मैं इधर से चलता हूँ Lightroom। अभी मैं दिखाऊंगा Lightroom में आप फेस को गोरा कैसे कर सकते हैं। Lightroom पे आने के बाद वो कर देना है फोटो को सिलेक्ट। फोटो को सिलेक्ट के बाद आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ गाइस, यहाँ आप थोड़ा नज़र से देखिए स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ आएगा, नहीं तो बाद में नहीं आपको समझ आएगा। आपको क्या करना है, आपको इधर से जाना है लाइट पे, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा। इधर से आपको करना है लाइट में जाना है, लाइट में जाने के बाद आप क्या करना है, यहाँ कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद
सॉरी गाइस, कलर के जाने के बाद आपको पहले क्या करना, इस वाला में आ जाना है, ये वाला में आके वो फोटो को थोड़ा वाइट कर लेना है पूरा। मैं आपको जितना दिखाता हूँ इतना इतना करके रख देना एक बार। अभी वो क्या करना है आपको, जो बैकग्राउंड है उसको करना है आपको एडिटिंग। तो आपको क्या करना है, ब्लू में आना है, सैचुरेशन को फुल माइनस, इसको भी फुल माइनस, इसको फुल माइनस, इसको भी फुल माइनस, आप ऐसे इधर फुल माइनस माइनस। आपको स्टेप आपको वीडियो वॉच करना है तो आपको पूरा वीडियो समझ आ जाएगा। अभी मैं कर दूंगा यहाँ से डन। बस इधर आपको इस वाला ऑप्शन में जाना है, हम देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इस वाला ऑप्शन में इधर से जाने के बाद इधर जाना है, जाने के बाद इसको थोड़ा प्लस करना है, इसको थोड़ा प्लस करना है, तो उसके बाद इस वाला में जाना है, इसको थोड़ा थोड़ा करना है। आप देख सकते हैं मेरा फोटो कितना अच्छे से पूरा होकर आ चुका है, बैकग्राउंड भी ब्लैक कलर हो चुका है। वैसे आपको करना है फोटो को शेयर कर लेना है केचबुक एप्लीकेशन में, आपको केचबुक एप्लीकेशन में कर लेना है शेयर। और इसमें और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी मैं PNG बैकग्राउंड और फोटो एडिटिंग रिलेटेड एप्लीकेशन यूज़ किया हूँ वो पूरा मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इजी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो मैं कर देता हूँ इधर क्लिक। अभी मैं आपको फुल स्मूथ करके सिखाऊंगा और बालों को भी कैसे आपको हेयर को स्टाइल करना है वो भी अब मैं सिखा दूंगा। और मैं अभी मैं रियल आपके सामने में स्मूथ करके दिखाऊंगा। तो चलो मैं स्मूथ का पहले सेटिंग आपको दिखा देता हूँ। टूल्स में जाना है, ये वाला ब्रश में जाना है, सेटिंग में जाना है, आपको फोलो को 4 पे रखना है, चलो 5 में रख दिया। सैचुरेशन को आपको रखना है 9 पे, अरे आप साइज के हिसाब से आप रख सकते हैं, अपने फोटो की साइज को मैं हिसाब से अपना रख दिया। तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ स्मूथ। हम देख सकते हैं मेरा फोटो कितना अच्छे से स्मूथ हो चुका है, होता है, आप भी इतना अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देख सकते हैं मेरा स्मूथ अच्छे से हो चुका है। गाइस मैं आपको पूरा स्मूथ करके मैं वीडियो को नहीं दिखाऊंगा, क्यों वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा, तब ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो में स्मूथ पूरा मैं नहीं करता हूँ, आपको फुल वीडियो में दिखाऊंगा कैसे आपको आराम आराम से स्मूथ कर लेना है। स्मूथ कर लेने के बाद आपको फोटो को सेव इधर से कर लेना है, उसके बाद आपको जाना है गैलरी में। तो चलो मैं आपको गैलरी में जाके दिखाता हूँ। तो वैसे आप देख सकते हैं मैं कितना अच्छे से स्मूथ कर चुका हूँ, स्मूथ करने के बाद मैं हेयर को भी स्टाइल कर चुका हूँ। तो हेयर को स्टाइल मैं आपको नहीं दिखाया क्यों, बस वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं दिखाया। दूसरे वाले में आप हेयर वाला आपको एडिटिंग चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं दूसरे दिन लेके आ जाऊँगा मैं हेयर वाला फोटो एडिटिंग। अभी मैं फेस स्मूथ में आपको करके दिखा दिया, सेटिंग दिखा दिए। अभी मैं करूँगा कुछ PNG यूज़ करने के लिए फ़ोटो को ले लेना है, फ़ोटो को शेयर करना है पिक्चर एप्लीकेशन में करने में शेयर। चलो मैं पिक्चर एप्लीकेशन में शेयर कर लेता हूँ। और शेयर करने के बाद गाइस मेरा फोटो अभी लोडिंग हो रहा है, तो फाइनली मेरा फोटो आ चुका है। यहाँ से आपको कुछ PNG यूज़ करना है, PNG का आपको चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जाना है आपको ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन PNG मेरे को चाहिए। वो PNG में यहाँ से मैं ले लूँगा, आपको PNG चाहिए तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इजी। और डाउनलोड करने से कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करके बताइए, मेरे को जो जो PNG चाहिए मैं इधर से ले लेता हूँ। ओके ये ब्लड वाला मैं इधर लगा देता हूँ जो देखने में अच्छा लगेगा, उसको
जो आंसू है ना गाइस, इसको मैं कैसे सेट करूँगा, उसको मैं थोड़ा इधर क्रॉप करूँगा। देख सकते हैं कितना अच्छे से सेफ हो चुका है। इसको और एक डुप्लीकेट लेयर बनाऊँगा, ऐसा एक और डुप्लीकेट लेयर बना लेना। डुप्लीकेट लेयर बनने के बाद इधर आप ऐसे ये आग के पास आप इतने आराम से सेव कर लेना। कैसे आपको वीडियो फुल वॉच करना है तो आपको पूरा आपको समझ आ जाएगा मैं कैसे कैसे करता हूँ। चलो इसमें करना है क्रॉप में क्लिक, आपको ये वाला आपको ले लेना है, इसे क्रॉप करके डन कर देना है। इसको अभी मैं यह मेरे मुंह के ऊपर ऐसे लगाना है, उसके बाद मेरे को ऊपर थोड़ा करना है क्रॉप, जिम करना ऐसे आराम से आप कर लेना, उसके बाद आपको कर लेना है जूम। हम देख सकते हैं कितना अच्छा और रियल एडिटिंग हो चुका है। अभी मैं और एक PNG यूज़ करूँगा, वो PNG में इधर से मैं ले लूँगा। चलो मैं और एक PNG ले लेता हूँ। PNG लेने के लिए मेरे ये चलो ये वाला मैं PNG ले लेता हूँ, ये वाला दोनों PNG का चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी करना है इसको करना है ब्लर, आप यहाँ देख सकते हैं मैं गाइस को पूरा मैं रियल दिखा के एडिटिंग करता हूँ। आप यहाँ आप और दो तीन डुप्लीकेट लेयर बना के यहाँ आप सेव कर सकते हैं। ओके, ये वाला को आपको भी ऐसा ही प्रोसेस करना है। रिसेट करने के बाद यहाँ आप ऐसे सेव कर देना है। तो गाइस मेरा फाइनली फोटो फुल एडिटिंग हो चुका है। आप भी कुछ इस टाइप की ऐसे एडिटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। मेरा ऐसा वीडियो आपको देखने के लिए जल्दी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक बने रहिए यूट्यूब में।